जहां 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब एग्जिट पोल आ चुके हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो उत्तराखंड में भी कमल खिल सकता है, लेकिन पंजाब के एग्जिट पोल चौंकाने वाले आ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बनने के आसार नजर आ रहे हैं। लगभग सभी चैनल और सर्वे कंपनियां आपकी ही सरकार बना रही है, तो गोवा में लगभग कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी को अनुमानित बराबर सीट मिल रही है और मणिपुर में बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां पर TV9 भारतवर्ष पॉलिस्ट्रेट का एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें पंजाब के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं पंजाब में बन सकती है आपकी सरकार। पंजाब में आपको 56 से 61 सीट का अनुमान, वहीं पंजाब में कांग्रेस को मिल सकती है 24 से 29 सीट, वहीं अकाली गठबंधन को 22 से 26 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पंजाब में सी वोटर का एग्जिट पोल, पंजाब में आपको 51 से 61 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जहां कांग्रेस को पंजाब में 22 से 28 सीटें मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 7 से 13 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अकाली दल को 20 से 26 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। और यूपी की अगर बात करें तो न्यूज एक्स का एग्जिट पोल सामने आ रहा है, आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी में फिर से बीजेपी को बहुमत का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार बीजेपी की सत्ता बरकरार रह सकती है, ऐसा कहा जा रहा है एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल में बीजेपी को 211 से 225 सीटें मिलने का अनुमान, वहीं समाजवादी पार्टी को मिल सकती है 146 से 160 सीटें। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो 14 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें ये लगातार एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, यूपी में 4 से 6 सीटों पर, वहीं यूपी में जन की बात का एग्जिट पोल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 135 से 165 सीटें मिलेंगी, वहीं पर बसपा को 4 से 9 सीटें मिल रही हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल में। और कांग्रेस को महज 1 से 3 सीट मिल रही है। उत्तराखंड में इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल भी सामने आ रहा है। आपको बता दें एग्जिट पोल में फिर से बन रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है महा एग्जिट पोल में, लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस को 20 से 30 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं बसपा को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और निर्दलीय की बात करें तो 2 से 5 सीट ही हाथ लगी है। ये एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में सी वोटर का एग्जिट पोल भी सामने आ रहा है। सी वोटर बन रहा है कांग्रेस, बना रहा है कांग्रेस की सरकार, तो उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। कांग्रेस को 32 से 38 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं बीजेपी को 26 से 32 सीटें मिलने का अनुमान आपको महज 2 सीटों पर ही, अन्य के खाते में 3 से 7 सीट हाथ आ रही है। आपको बता दें एग्जिट पोल 2022 के नतीजे लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, वहीं उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर सरकार दोहराती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को एग्जिट पोल में 43 सीट का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 24 और अन्य को 3 सीट। अब बात करेंगे उत्तराखंड में जन की बात के एग्जिट पोल की, जो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल में बीजेपी को 32 से 41 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, साथ ही कांग्रेस को 27 से 35 सीट का अनुमान।
उत्तराखंड में वीटो का एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीटो के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत दिखाई दे रहा है, बीजेपी को 37 सीटों का अनुमान नजर आ रहा है। आपको बता दें कांग्रेस को 31, वहीं आपको एक और अन्य निर्दलीय पार्टी को एक सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड में इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल भी आपको दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। तो गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरफ आपको टीवी स्क्रीन पर 2017 यूपी के नतीजे दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल 2022 के नतीजे, जहां कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक तरफ 2017 के नतीजों के बारे में, वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल 2022 के बारे में, जहां लगातार आपको नतीजे दिखा रहे हैं। 10 मार्च को हालांकि 5 राज्यों के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले आपको एग्जिट पोल का अनुमान यहां दिखा रहे हैं, नतीजों से पहले चौंकाने वाले रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको 5 राज्यों में विधानसभा सीट दिखा रहे हैं, वहीं पर एग्जिट पोल 2022 के नतीजे भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोवा में इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहते हैं, एग्जिट पोल के अनुमान, बीजेपी को 14 से 18 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें 2017 यूपी के नतीजे भी साथ में आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो इस बार यूपी में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसका फैसला आखिर 10 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान कुछ और ही कह रहे हैं। और हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जी नीरज, लगातार एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी आप हमें देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा यूपी में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, अपनी सत्ता बरकरार रख रही है बीजेपी। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जिट पोल के अनुसार देखा जाए तो 5 राज्यों में से 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई देखी जा रही है। वहीं गोवा में हंग असेंबली की बात की जा रही है और पंजाब में आप क्लीन स्वीप करते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन हम बात करें, आज से पहले जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, तो हर बार एग्जिट पोल सत्य साबित नहीं होते हैं। ऐसे माना जा रहा है कि 20 साल में लगभग 37 एग्जिट पोल हुए हैं और उनमें से 90% एग्जिट पोल जो है गलत साबित हुए हैं। इसलिए एग्जिट पोल को ही हम सत्यता नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए पूर्वानुमान है और सभी पार्टियों पर मैं यहाँ इस समय कहीं कहीं एक खुशी मनाने का समय भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में जैसा कि माना जा रहा था, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, और यूपी में यहाँ पर अगर एबीपी और लोकनीति और सीडीएस की बात की जाए तो वहाँ भाजपा को 185 और सपा कांग्रेस को 120 सीटें दिखा रही है, वहीं 90 सीटें बसपा को दिखा रही है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन सरकार की बात की जा रही है, लेकिन इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी और न्यूज 24 चाणक्य और इंडिया टुडे का जो सर्वे है वो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि यूपी में एक बार योगी और मोदी की जो विश्वसनीयता है उस पर जनता ने मुहर लगाई है, लेकिन अंतिम निर्णय 10 मार्च को ही जी बिल्कुल। नीरज, अगर ये बात करी आपने यूपी की, लेकिन अगर दूसरे चार राज्यों की बात करें तो वहाँ की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, पंजाब में बिल्कुल जो है आप पार्टी को पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है। पिछली बार भी जो एग्जिट पोल आए थे उसमें पंजाब को पूर्ण बहुमत दिखाया गया था, इस बार भी वहाँ पर जो है 38 से 44 सीटें बताई जा रही है। अकाली दल की भी स्थिति कांग्रेस से बेहतर बताई जा रही है, 30 से 39, और कांग्रेस को 26 से 32 सीटों पर दिखाया जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और गोवा में हंग असेंबली की बात की जा रही है। हालांकि बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी वहां उभर रही है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है, और जो सहयोगी दूसरे दल है उनकी कुछ सीटें 5-7 सीटें आ रही है, तो वो उन पर निर्भर करता है कि वो किसका समर्थन करेंगे, ऐसा पूर्वानुमान बताया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में लोगों को लग रहा था कि उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसके अनुसार यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ही स्पष्ट बहुमत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 20 से 30 सीटों की तरफ ही दिखाया जा रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के लिए खुशी का मौका है कि वहाँ भी धारणी सरकार रिपीट होने जा रही है, लेकिन अंतिम निर्णय 10 मार्च को होने वाले जो नतीजे आएंगे वो तय करेंगे। मणिपुर में बात करें तो मणिपुर में पहले से ही माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इतिहास दोहरा सकती है, फिर से सत्ता में आ सकती है। तो यहाँ पर 33 से 43 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 4 से 8 दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूर्वानुमान आया है, एग्जिट पोल आया है, 5 राज्यों में से बात करें तो 3 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई यहाँ पे साफ देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में। और पंजाब में जो है आप पार्टी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम सीटें मिल रही है, और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए हकीकत की, तो पिछले 20 सालों के जो 37 बड़े एग्जिट पोल हुए हैं उनमें 90% एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो अधिकतर नेता है वो भी कह रहे हैं कि जो आपने सर्वे किया है पूर्वानुमान दिखा रहे हैं हम, उस ठीक है, लेकिन नतीजे 10 तारीख को ही पता लग पाएगा। नहीं नीरज, जैसा आप बता रहे हैं कि 90% नतीजे जो हैं वो गलत साबित हुए हैं एग्जिट पोल के, लेकिन अगर 2017 के चुनावों की बात की जाए तो उत्तराखंड में 2017 में भी बीजेपी को ही एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत मिला था, और इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पंजाब में भी उन्होंने आप पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिया था और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ बताया गया था, लेकिन हुआ उल्टा ही था। तो ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जिट पोल सत्य साबित होते हैं, और ये सारे आंकड़े बिल्कुल जो पिछले 20 सालों के हैं उसमें लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों के भी नतीजे शामिल हैं। और कई बार ऐसा नहीं है कि जो पूर्वानुमान है बिल्कुल 100% ही असत्य साबित हुए, इनमें कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। यही कारण है कि माना जा रहा है कि भाई 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है कि उनका जो यूपी में जिस तरह से उनको समर्थन मिला है उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन पहले दिन से दिख रहा है कि जिस तरह वोटों का बिखराव हुआ है, उस जाहिर सी बात है कि वहां पर मोदी और योगी का जो जादू चला है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वहां पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और ये उस जो एग्जिट पोल आया वहां वो भी उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी देखिए आप, वहां भी अगर 5 एजेंसियों ने सर्वे किया है, इंडिया न्यूज और MRC ने सर्वे किया, उसमें भाजपा को 211 सीट बता रही है, सपा को 122 और बसपा 61 सीटें पर दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जरूरत वहां भी पड़ेगी दूसरी पार्टी का सहयोग लेने की बात है। और इंडिया टीवी की बात करें तो फिर वो 164 से 176 सीटें, तो और न्यूज 24 चाणक्य की बात करें 285 सीटें बता रही है, तो वो पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा 2/3 बहुमत दिखा रही है। इंडिया टुडे की बात करें तो वो भी 2/3 बहुमत दिखा रही है। तो देखिए, अलग अलग एजेंसी के अलग अलग सर्वे, अलग अलग अनुमान है, किन लोगों से बातचीत की गई है, किस तरह के लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन पूर्वानुमान के आधार पर थोड़ी बहुत भूमिका तय जरूर हो जाती है। अपन उसको पूरी तरह 100% गलत नहीं बता सकते, इसीलिए क्योंकि ये जो आंकड़े हैं कि पिछले 20 साल में इतने सर्वे हुए, 37 एग्जिट पोल हुए, 90% गलत साबित हुए, ये भी सत्यता है, ये भी कड़वी सच्चाई है जिसको सभी पार्टियों को मानना पड़ता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सर्वे आए हैं, देखते हैं उसमें 10 मार्च को क्या रिजल्ट आते हैं। फिलहाल तो इस सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर है कि सारे नतीजे 3 राज्यों के नतीजे उनके पक्ष में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी गोवा में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दावा है
कि ये जो एग्जिट पोल है गलत साबित होंगे, उनकी उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में सरकार बनने की उनको उम्मीद लग रही है। अर्पिता जी बिल्कुल, नीरज अगर देखा जाए इस बार अगर उत्तराखंड में बीजेपी जीतती है तो इस बार चेहरा कौन होंगे सीएम का, क्योंकि देखा जाता है कि पिछली तीन बार तो चेहरे बदल चुके हैं। देखिए वहां तो पूरा जो चुनाव है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है कि तीन महीने पहले ही उन्होंने चेहरा बदला है और उसी चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। तो उत्तराखंड में अगर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नाम पर वहां पर वोट मांगा गया है। हालांकि देखिए क्योंकि मोदी जी का चेहरा हर चुनाव में एक बीजेपी की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में काम आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव था, उत्तराखंड की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को चेहरा मानकर, उन्हें पता था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो पुष्कर सिंह धामी ही वहां के मुख्यमंत्री होंगे, ये जाहिर बात है। अब देखना यह है कि जो एग्जिट पोल आया है नतीजे उसके अनुसार आते हैं या नतीजे कुछ और गुल खिलाते हैं, क्योंकि हरीश रावत और तमाम बड़े नेता भी वहां पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। जी नीरज ये तो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान की राजनीति तो इसमें क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है इन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद? देखिए राजस्थान की राजनीति में ये जो नतीजे हैं एक बड़ा परिवर्तन के संकेत दे सकते हैं जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में जो बजट पेश किया है और जिस उस बजट में जिस तरह की घोषणाएं की है उसके बाद आपने देखा होगा सुबह का माहौल बदला सा नजर आ रहा है। जो कर्मचारी बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं और बिल्कुल कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों की भावनाएं बदलती जा रही है। राजनीति में भी समय के अनुसार बदलाव होता रहता है, तो अब ये नतीजों के बाद ही तय होगा कि राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव होता है या किस तरह का और परिवर्तन होता है, क्या होने वाला है, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद ये लग रही है कि ये चुनाव के नतीजे हैं वो तय करेंगे राजस्थान का भविष्य। जी बिल्कुल नीरज, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वहां देखिए पंजाब में आपको बहुमत का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीट मिलने का अनुमान। इस बार आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है पंजाब में। वहीं कांग्रेस को पंजाब में 19 से 31 सीट, वहीं बीजेपी को पंजाब में 1 से 4 सीट और अकाली दल को 7 से 11 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल की, इसके क्या नतीजे हैं। पंजाब के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बड़ा झटका, पंजाब में बन सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार।